आज का विषय है यूएसएफडी डिफेक्ट्स मार्किंग एंड एक्शन। रेलों में डिफेक्ट पता करने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूएसएफडी एक बेहतरीन तरीका होता है, जिसमें बिना रेलों को तोड़े हुए रेलों के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स को पता किया जाता है। रेलों में डिफेक्ट्स दो कारण से पैदा होते हैं, एक तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस और दूसरा ड्यूरिंग द सर्विस प्रोसेस। रेलों में डिफेक्ट पता करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, एक थ्रू रेल टेस्टिंग और दूसरा होता है वेल्ड टेस्टिंग के दौरान में। थ्रू रेल टेस्टिंग के दौरान में रेलों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार टेस्टिंग की जाती है, जबकि वेल्ड टेस्टिंग के दौरान में स्पेसिफिक लोकेशन पर वेल्ड को टेस्ट किया जाता है। अब हम इसमें से देखें एक एक करके कि इन डिफेक्ट्स में किस प्रकार के टेस्टिंग में कौन सा डिफेक्ट आता है। जैसे कि रेल टेस्टिंग के दौरान में जो डिफेक्ट्स मार्क किए जाते हैं, इन डिफेक्ट की कैटेगरी जो डिफाइन की जाती है, उन्हें आईएमआर, आईएमआरडब्ल्यू, ओबीएस और ओबीएसडब्ल्यू कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। सिमिलरली वेल टेस्टिंग के दौरान में जो डिफेक्ट्स कैटेगराइज होते हैं उसे डीएफडब्ल्यूआर, डीएफडब्ल्यूओ एंड डीएफडब्ल्यूएन कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। आप इनके नामों के आधार पर भी इनसे समझ सकते हैं, जैसे आईएमआर यानी कि वहां पर इमीडिएट रिमूवल है, आईएमआरडब्ल्यू इमीडिएट रिमूवल ऑफ वेल्ड है, ओबीएस का अर्थ हो गया ऑब्जर्वेशन और ओबीएसडब्ल्यू का हो गया ऑब्जर्वेशन ऑफ वेल्ड, डीएफडब्ल्यूआर का हो गया डिफेक्टिव वेल्ड फॉर रिमूवल, डीएफडब्ल्यूओ डिफेक्टिव वेल्ड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड डीएफडब्ल्यूएन डिफेक्टिव वेल्ड Which is tested in the newly weld। अब हम इनमें देखते हैं आगे कि इनकी मार्किंग कहां पर की जाती है। डिफेक्टिव वेल्ड्स की मार्किंग रेल टेस्टिंग के दौरान में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स को बेव के दोनों फेस पर किया जाता है। जैसे कि आईएमआर के केस में हम तीन रेड क्रॉस का निशान लगाते हैं बेव के दोनों तरफ में, ठीक उसी प्रकार आईएमआरडब्ल्यू में भी तीन क्रॉस का निशान, रेड क्रॉस का निशान लगाया जाता है बेव के दोनों तरफ। वेल टेस्टिंग के दौरान में जो सबसे सीवियर टाइप का डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को डीएफडब्ल्यूआर के श्रेणी में रखा जाता है और जिसके लिए दो रेड क्रॉस के निशान लगाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी का यानी थर्ड टाइप का सीवियरिटी जो है वह है ऑब्जर्वेशन ओबीएस डिफेक्ट Which is found in the rail testing। यानी रेल टेस्टिंग के दौरान में जो डिफेक्ट जो पाया जाता है वो तीसरे दर्जे का होता है, जिसके लिए एक क्रॉस का निशान लगाया जाता है। आप यहाँ पर क्रॉस के निशान से उसकी सीवियरिटी को समझ सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्रॉस है वो सबसे ज्यादा सीवियर, उससे कम है तो उससे कम सीवियर और उससे भी कम है तो उससे भी कम सीवियर। और डीएफडब्ल्यू के केस में वहां पर सिर्फ ओ रेड कलर का लगाया जाता है ऑब्जर्वेशन फॉर द डिफेक्टिव वेल्ड। डीएफडब्ल्यूएन एक नई क्राइटेरिया है जिसे करेक्शन स्लिप 1 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें किसी भी नए वेल्ड में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाए जाने पर उसमें डीएफडब्ल्यूएन कैटेगरी में उसे रखा जाता है और जिसके लिए दो स्टार मार्क के साथ एक एन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनके निशान दो स्टार मार्क और एन लगाया जाता है। डिफेक्ट्स पता चलने के उपरांत इनके अगेंस्ट में एक्शन क्या लेना है, इस टेबल में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। इनमें डिफेक्ट्स सबसे पहले पता चलता है एसएससी या जेई यूएसएफडी को और उसके बाद यह बताया जाता है सेक्शनल एसएससी या जेई पीबे को, जिस पर उसे दो प्रकार के एक्शन लेने होते हैं, इंट्रीम एक्शन जो तत्काल उसे लेने होते हैं और इंड एक्शन जो अंत में उसे लेने होते हैं, फाइनल एक्शन उस डिफेक्ट के ऊपर में उसे क्या करना है। तो जैसा कि हमारा पहला डिफेक्ट है जो रेल टेस्टिंग के दौरान में हमें पाया जाता है, जो कि सबसे सीवियर टाइप का होता है, जैसे कि हम आईएमआर और आईएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, उसकी मार्किंग ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसे वेव के दोनों तरफ लगाया जाता है और उस पर तीन क्रॉस के निशान रेड कलर के लगाए जाते हैं। इस डिफेक्ट के पता चलने के बाद जो यूएसएफडी एसएससी या जेई है वह
30 km/h या उससे अधिक का गति प्रतिबंध लगाएगा सीवियरिटी को देखते हुए और इसकी सूचना सेक्शनल एसएससी या जेईपीवी को देगा। सेक्शनल एसएससी या जेईपीवी इस सूचना को पाने के बाद 24 घंटे के अंदर में ही उस जगह को जॉगल फेस प्लेट विद क्लैंप प्रोवाइड करना है और इस पर जो एंड एक्शन लिए जाना है सेक्शनल एसएससी जेईपीवी के द्वारा कि इस लोकेशन को डिफेक्टिव लोकेशन को किसी साउंड टेस्टेड रेल से जो कि यूएसएफडी टेस्टेड किया हुआ हो 3 दिन के अंदर में इसे बदल देना है। रेल टेस्टिंग के दौरान में पाए जाने वाले जो सबसे सीवियर डिफेक्ट है जिसे कि DFWR के नाम से जानते हैं और यह वेल्ड के दोनों फेस पर इस निशान को लगाया जाता है हेड पर दोनों तरफ यानी गेज फेस साइड और नॉन गेज फेस साइड में और इसके लिए सीवियरिटी को देखते हुए इसमें 2 रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है। सिमिलर एक्शन जो IMR में लगाया लिया गया है वही सेम एक्शन JEPWay JEUSFD के द्वारा या SSUSFD के द्वारा लगाया जाएगा यानी कि यहां पर भी वो 30 km/h और उससे अधिक का गति प्रतिबंध लगा सकता है और इसके साथ ही उसे इस लोकेशन की सूचना सेक्शनल एसएससी या जेईपीवी को देनी है। सेक्शनल एसएससी या जेईपीवी इस सूचना को पाने के बाद तुरंत प्रभाव से उस पर जॉगल फेस प्लेट यानी तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहां पर क्लैंप के साथ में 2 टाइट क्लैंप का इस्तेमाल करके जॉगल फेस प्लेट प्रोवाइड करेगा लेकिन इसके बावजूद भी 30 km/h का गति प्रतिबंध वहां से नहीं हटाया जाएगा। गति प्रतिबंध हटाने के लिए वहां पर सेक्शनल एसएससी या जेईपीवी को जॉगल फेस प्लेट विद 2 फार एंड टाइट बोल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी कि जो डिफेक्टिव बिल्ड है उसके दोनों तरफ फार इंड वाले 2 वोल्ट होल करके उसे लगाने हैं और उसके बाद ही इस 30 km/h को वो हटा पाएगा। और इसका जो फाइनल एक्शन लेना है वो है कि इसे 3 महीने के अंदर में बदल देना है। यदि इस डिफेक्टिव लोकेशन को 3 महीने के अंदर में अगर नहीं बदला जाता है तो यहां पर गति प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डिफेक्ट OBS और OBSW को जो कि रेल टेस्टिंग के दौरान में पाया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि रेल टेस्टिंग के दौरान पाए जाने वाले डिफेक्ट को फेसेस ऑफ द वेव पर दोनों तरफ लगाया जाता है और इसकी मार्किंग 1 क्रॉस होती है। जैसे जैसे क्रॉस की संख्या घटती जा रही है सीवियरिटी घटती जा रही है। यहां पर SSC JEUSFD को उसे सूचना देना है 24 घंटे के अंदर में और इस डिफेक्ट के अंदर में किसी भी प्रकार का गति प्रतिबंध उसे नहीं लगाना है। परंतु सेक्शनल एसएससी जेईपीवी इस सूचना को पाने के बाद अपने कीमैन को निर्देश करेगा कि डेली पेट्रोलिंग के दौरान उसे ध्यान रखने हैं जब तक कि इस पर जॉगल फेस प्लेट नहीं लगाया जाता है और इसका इंड एक्शन होगा कि जॉगल फेस प्लेट लगाने की सीमा 3 दिन रखी गई है। 3 दिन के अंदर में इसे क्लैंप के साथ में जॉगल फेस प्लेट प्रोवाइड करना है न कि फार इंड टाइट बोल्ट लगाना है। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि रेल वेल टू बी प्रोवाइडेड विद क्लैंप्ड जॉगल फेस प्लेटेड विद 3 डेज। नेक्स्ट हमारा है DFWO। यह डिफेक्ट वेल टेस्टिंग के दौरान में पाया जाता है और इसमें इसे भी वेल टेस्टिंग के दौरान में पाया गया है इसलिए इसे वेल्ड के हेड में दोनों तरफ लगाया जाता है गेज फेस और नॉन गेज फेस साइड की ओर और इसकी जो मार्किंग होती है वो रेड कलर से ओ का निशान लगाया जाता है। इसमें भी एसएससी या जेईयूएसएफडी के द्वारा सिमिलर एक्शन लिया जाएगा जैसा कि उसे आईएमआर और डीएफडब्ल्यूआर के केस में लिया है। उसे 30 km/h और उससे अधिक गति का गति प्रतिबंध उसे लगाना होगा सीवियरिटी को देखते हुए और इसकी सूचना एसएससी जेईपीवी को देनी होगी जो फ्लॉकी लोकेशन होगी। फ्लॉकी लोकेशन की सूचना पाने के बाद एसएससी या जेईपीवी वहां पर 2 टाइट क्लैंप यानी कि 2 टाइट क्लैंप का इस्तेमाल करके 2 क्लैंप का इस्तेमाल करके उसे जॉगल फेस प्लेट वहां पर प्रोवाइड करेगा लेकिन यहां से गति प्रतिबंध नहीं हटेगा। गति प्रतिबंध यहां से हटाने के लिए उसी लोकेशन को हमें 2 फार एंड टाइट बोल्ट का प्रोविजन करना होगा और उन होलों को चैम्फरिंग करना आवश्यक है परंतु यह सभी काम 3 दिन के अंदर में हो जाने चाहिए। इसका इंड एक्शन
नहीं दिया हुआ है, यानी इसमें इंडक्शन अलग से नहीं लेना है। यह डिफेक्टिव बेल्ट ट्रैक में पाया जाएगा अनटिल और अनलेस यह इससे ऊपर की कैटेगरी में डिफाइन नहीं हो जाता है, तब तक इस ज्वाइंट को केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसके बाद जो नया इंट्रोड्यूस किया हुआ डिफेक्ट है, जिसे कि DFWN के तौर पर जानते हैं, जिसकी की मार्किंग भी वेल टेस्टिंग के दौरान में है, इसलिए हेड के दोनों तरफ की जाएगी। और इसके लिए जो निशान बताए गए हैं वो 2 स्टार मार्क विद N लगाना है, यानी 2 स्टार मार्क लगाने हैं और उसके साथ N लेटर लिखना है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी कोई नया वेल्ड बनाया जाता है और उस पर USFD के टेस्टिंग जब तक नहीं की जाती है, तब उस तक उस वेल्ड को जॉगल्ड रखना है विद क्लैंप के साथ में। अतः इस कारण से SSCJ USFD को किसी प्रकार के एक्शन लेने की आवश्यकता उनकी तरफ से नहीं है। परंतु इस डिफेक्ट की सूचना SSCJEPB को पता चलती है, उसके बाद वह उस जॉग उसे प्रोटेक्ट करता है जॉगल फेस प्लेट से, अगर नहीं है, वैसे सामान्यतः तो यहां पर किया रहता है, पर अगर यह एक्शन नहीं है तो वहां पर 2 टाइट क्लैंप का इस्तेमाल करके वहां पर प्रॉपर वुडन ब्लॉक का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि किसी भी नए वेल्ड के साथ में किया जाता है। इंड एक्शन यहां पर है कि इस वेल्ड को USFD टेस्टिंग होने के 1 महीने के अंदर में हर हालत में बदल दिया जाएगा। इस प्रकार आपने JEUSFD या SSCEUSFD के द्वारा किसी भी प्रकार के डिफेक्ट होने पर उसके जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य के बारे में समझा, और इस सूचना को पाने के बाद सेक्शनल JEE या SSCPB के द्वारा कौन से एक्शन लेने हैं उसके बारे में आपने देखा। इसमें आपने देखा कि उसे इंट्रीम एक्शन क्या लेना है और इंड एक्शन क्या लेना है। आशा है ये चैप्टर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। धन्यवाद।